आज हम कद्दू की रेसिपी बना रहे हैं जो बहुत अच्छा सूप बनेगा कद्दू का। और कद्दू हमारे लिए बहुत फ़ायदे का होता है डाइट के लिए। तो सबसे पहले हमको इस कद्दू को छीलना है। छील के निकाल लिए हमने, अब इस कद्दू के हम पीसेस कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेस, जो कि पकने में छोटे पीसेस आप किसी भी साइज के कर सकते हैं। जितने छोटे पीस करेंगे उतना जल्दी आपका कद्दू पकेगा और आपको सूप बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। टेस्टी बनाएंगे, डिलीशियस बनाएंगे, जिसमें मैंने लिया है कद्दू, ग्रीन कोरिएंडर और पीनट के दाने, जिंजर और हरी मिर्ची। मैं पैन ले लिया, अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसमें आप एक चम्मच अपने हिसाब से जितना भी ऑयल लेना ले सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे, इसमें जीरा को थोड़ा सा चटकने देंगे, थोड़ा फ्लेवर आएगा जीरे का बढ़िया सा, और जीरे का फ्लेवर आ जाएगा, थोड़ा भून जाएगा जीरा। उसके साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा जिंजर और हम डालेंगे थोड़ा हरी मिर्ची और मूंगफली के दाने, ताकि थोड़े से दाने हमारे सिक जाएं बढ़िया से। उसके बाद हम ऐड करेंगे कद्दू। तो हमने इसके अंदर कद्दू भी ऐड कर दिया है, देखिए हमारा कद्दू का फ्लेवर आने लगा है। इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे, थोड़ा हरा धनिया हमारा बढ़िया भून जाएगा बढ़िया से। लगा चुके थे तो अब हमको इसमें तड़का नहीं लगाना है और डायरेक्ट इसको हमको डालना है, क्योंकि हमने इसमें तड़का लगा दिया था और हमने इसके छिलके भी निकाल दिए थे। हमको इसमें छानना भी नहीं है, क्योंकि बारीक पीसेंगे तो कुछ छानने की जरूरत नहीं है।